हाँ तो दोस्त, आज हम बात करेंगे पीआरएस के बारे में। पीआरएस क्या है, इसके क्या कार्य हैं, तमाम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पीआरएस के बारे में बात करेंगे। पीआरएस प्रेशर रिड्यूसिंग स्टेशन इसका नाम है। प्रेशर रिड्यूसिंग स्टेशन एक वालों के या इंस्ट्रूमेंट के समूह का नाम है। मुख्य तो पीआर भी ही है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल हमारा सही तरीके से ऑपरेशन में रहे, उसका ऑपरेशन सही तरीके से हो और वह लगातार सही स्थितियों में सेट प्रेशर पर ही हमारे प्लांट को, हमारे प्रोसेस को स्टीम देता रहे, इसके लिए हम पीआर भी लगाते हैं और सही तरीके से हमारा ऑपरेशन हो, किसी भी तरह का कठिनाई ना हो, इसके लिए जो उसके साथ जो पार्ट्स लगे होते हैं उन तमाम पार्ट्सों के समूह को जब हम मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग स्टेशन, या आप यह भी कह सकते हैं कि प्रेशर रिड्यूसिंग यूनिट, पीआरयू भी कह सकते हैं। कई बड़े बड़े ऑफिसर या प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मुंह से हमने सुना है पीआरयू भी वो लोग कहते हैं। पीआरएस भी तो हमने आपको बताया ही, स्टेशन यूनिट कुछ भी कह सकते हैं, समझिए इस बात को। आगे हम चलते हैं, पीआरएस से क्या क्या फायदे हैं हमको। तो मान लिया जाए कि आपके बॉयलर का वर्किंग प्रेशर 17.5 kg/cm² है, किसी प्लांट को 17.5 kg, तो आप उसको 16 kg पर ही चलाएंगे, वो तो स्वीकृत प्रेशर है, थोड़ा सा कम चलाएंगे तो 16 kg। किसी प्लांट को 16 kg प्रेशर का जरूरत नहीं है, उसको 5 kg का ही है, 10 kg का ही है। जैसे मान लीजिए कि 10 kg का ही किसी प्लांट को स्टीम का जरूरत है, तो 10 kg/cm² बराबर 178°C स्टीम का टेम्परेचर हुआ, तो उसको 170-175°C स्टीम का टेम्परेचर चाहिए। उसी से अपना मालू भली बात ही अच्छा तरीके से पका लेता है या सुखा लेता है, तो उसको 17 से 17.5 kg अगर हम दे रहे हैं प्रेशर, तब तो उसका माल ओवरहीट हो जाएगा या जो कुछ भी खराब हो जाएगा, अच्छा तो होगा नहीं, या कम समय में होगा तो भी खराब होगा, समय भी एक मापक है, उसके अनुसार माल पकाना है। तो इसके लिए हम पीआरएस का यूनिट को सेट कराते हैं, लगवाते हैं। अब आइए आगे, और भी फायदे हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे आपका बॉयलर का वर्किंग प्रेशर 17.5 kg/cm² है, अगर कोई मशीन वाला आपसे, प्लांट वाला अंदर जो प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई हमको तो 10 kg प्रेशर चाहिए, तो आप उसे 10 kg पर नहीं चलाएंगे, क्योंकि 10 kg पर चलाने पर काफी जो ईंधन है, फ्यूल है, उसका हानि होता है। तो इस बात को समझने योग्य है कि हम अपने बॉयलर को स्वीकृत प्रेशर के अनुसार ही चलाएंगे। इससे फायदा यह है कि हमारा ईंधन जो है बचेगा, ईंधन जब बचेगा तो पैसा बचेगा, पैसा जब बचेगा तो आपका या आपका जो ओनर है आपके या उस उद्योग के बारे में जरूर सोचेंगे, कुछ नया नया उसमें ऐड करेंगे, तो फायदा ही फायदा होगा। तो इसलिए स्वीकृत प्रेशर के अनुसार चलाना चाहिए, ये नहीं कि हम कम पर चलें। और आपके प्रोडक्शन हाउस को तो उतना प्रेशर चाहिए नहीं, किसी मशीन को चाहिए, किसी मशीन को नहीं चाहिए। तो इसके लिए जिसको नहीं चाहिए, जिसको मान लीजिए कि 175 डिग्री पर ही काम चल जाता है, उसके लिए काफी है, तो वहां उसके मशीन के पहले में प्रेशर रिड्यूसिंग स्टेशन लगाते हैं, यानी आप समझ गए कि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल लगाते हैं। वाल के सेफ्टी के लिए सारे साधन लगाते हैं, जिन तमाम वालों को लेकर, इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर एक प्रेशर रिड्यूसिंग यूनिट जिसको हम कहेंगे। अब हम बात करेंगे प्रेशर रिड्यूसिंग यूनिट में या स्टेशन में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, उनके बारे में हम आपको
थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले पीआरबी जो वाल है, पीआरबी उसके आगे और पीछे दो वाल मैनुअल लगे होंगे। उसके बाद पीआरबी के पहले एक प्रेशर गेज और बाद में भी एक प्रेशर गेज लगे होंगे। उसके बाद एक सेफ्टी वाल पीआरबी के बाद में लगेंगे और उसके बाद एक बाईपास लाइन लगेगा, वहां भी एक वाल स्टीम लाइन के अनुरूप लगेगा। जितने साइज का स्टीम लाइन है आपका पीआरबी उस साइज का एक वाल लगेगा। इन तमाम को मिलाकर हम कहेंगे कि अभी हमारा एक पीआर स्टेशन तैयार है। तो फिर हम अब पीआरबी के बारे में विस्तार से, उस वाल के बारे में विस्तार से बताएंगे, उसके एक्शन के बारे में बताएंगे, कार्य करने के बारे में बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।